bird on a tree. Students and parents, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and the students and parents. आज मैं आपके बीच में हूँ एक बड़े ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, और वो हमारी अपडेट है किसके बारे में, मरकुरी के बारे में. जी हाँ, आपने घरों में देखा होगा कि थर्मोमीटर में जनरली मरकुरी यूज किया जाता है, और बच्चे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि पापा या मम्मी मरकुरी ही क्यों हो थर्मामीटर में यूज किया जाता है. तो अब सिर्फ इसी के बारे में मैं आपका जवाब नहीं दूंगी, इसके अलावा भी मरकुरी के बारे में और इंटरेस्टिंग अपडेट आपके पास होगी, तो बने रहिए प्राची फाउंडेशन के साथ. तो सबसे पहले जानते हैं कि मरकुरी है क्या. मरकुरी एक मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है. इसका केमिकल नेम Hg यानी हाइड्राजाइम होता है, और इसका एटॉमिक मास 80 होता है. हमारे नेचर में प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है. हमारे नेचर में दो तरीके से पाया जाता है. अगर हम मरकुरी सल्फाइड की बात करें तो एक रेड मरकुरी सल्फाइड और दूसरा ब्लैक मरकुरी सल्फाइड. अगर हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करें तो ये मरकुरी ब्रोमाइड और भी बहुत सारी फॉर्म में पाया जाता है. अगर इसकी हम डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर होती है, जो कि पानी से 13 टाइम्स ज्यादा होती है. तो चलिए जानते हैं मरकुरी का यूज थर्मामीटर में क्यों किया जाता है. इसका यूज थर्मामीटर में किया जाता है क्योंकि इसका जो एक्सपेंशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर मरकुरी 29 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जितना एक्सटेंड होगा, उतना ही उसका एक्सटेंशन जो है वो 79 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में होगा, जिसे कहा जाता है हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, वो होता है 357 डिग्री सेल्सियस, जिस कारण मरकुरी को थर्मामीटर में यूज किया जाता है. इसका दूसरा यूज होता है स्मॉल स्केल गोल्ड माइंस में, जो कि हम गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज करते हैं. और मरकुरी क्लोराइड को एज अ मेडिसिन भी यूज किया जाता है दर्द और बुखार के लिए, जो कि अब बंद हो चुका है. प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी इसका यूज देखने को मिला है, जहां पर अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र हुआ है, जहां जिसमें कि ईंधन यानी कि एज अ फ्यूल पारे का इस्तेमाल, पारा यानी मरकुरी का इस्तेमाल हुआ था. ठीक है, मेक्सिको में एक पिरामिड के नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में मरकुरी पाया गया है, जिसमें साइंटिस्ट ये पता लगा रहे हैं कि यहां पर इतना पारा कहां से आया. अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर ने भी टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उसने बहुत ज्यादा मात्रा में पारा यूज किया था, मतलब मरकुरी यूज की थी, लेकिन वो टाइम मशीन बनाने में फेल हो गया था. अब बात आती है कि क्या मरकुरी हमारे लिए पॉइजनस है. तो इसका आंसर है जी हाँ, मरकुरी हमारे लिए पॉइजनस है. हमारे लिए न्यूरोटॉक्सिन है, अर्थात ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिसमें हमारी किडनी और हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है. बात करते हैं कि ये हमारे ह्यूमन कॉन्टेक्ट में आता कैसे है. ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन कोल माइंस के थ्रू ये वाटर बॉडीज जैसे सी ओशन में चला जाता है, और वहां की फूड चेन को ये प्रभावित करता है. वहां जाने पर यहाँ फिश और वहां पर रहने वाले जो जीव है उसको खा लेते हैं, और जब वही फिश हम लोग ईट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में भी आ जाता है. तो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये थी मरकुरी और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट. जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके इनमें से आपको कितनों के बारे में पता था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा. अगर आपको लगा हो हेल्पफुल और आप चाहते हो कि ये बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको हर दिन हर रोज, जी हाँ, रात 8 बजे. तो बने रहिए प्राची फाउंडेशन के साथ. थैंक यू सो मच.